समझौता नहीं बहस है। आपका प्यार ही हमारी ताकत है। सुप्रीम पावर न्यूज को मिल रहे आपके स्नेह और प्यार के लिए सुप्रीम पावर न्यूज टीम आपकी आभारी है। तो आइए बने रहे सुप्रीम पावर न्यूज के साथ और देखें आज की प्रमुख खबरें। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से। सिंधी महिलाओं के सक्रिय ग्रुप और सामाजिक एकता के उद्देश्य को लेकर संचालित मौजे सिंध ग्रुप के शुभारंभ अवसर पर सिंधी महिलाओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। मौजे सिंधु ग्रुप महिलाओं को सशक्त और जागरूक बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। ग्रुप के संस्थापक पलक अमरवाणी ने बताया कि अभी यह ग्रुप का पहला आयोजन जिसमें कई महिलाएं पहुंची और सामाजिक एकता का संकल्प लिया। इंदौर से योगेश दुबे की रिपोर्ट। किस तरह का इवेंट आज किया गया है? असाइन सिंधी मौज है सिंध के ग्रुप की शुरुआत कई है। इन ग्रुप में असा सभी सिंधियों के जोड़ने की कोशिश त क्यों ताकि सभी मिली करे कुछ इन समाज के लिए क्यों इन ग्रुप के युवा वर्ग के थोड़ा असा इन सभ्यता से जोड़े करे अगते वधाने की कोशिश क्यों। इवेंट हमारे ग्रुप का इनोग्रेशन है। आज हमारे ग्रुप की स्थापना दिवस है। हमारे ग्रुप का नाम है मौज है सिंध, जो सिंधी लेडीज ने मिलकर बनाया है और ये एक पहल है इंदौर के लिए जो सिंधियों ने पहली बार आगे कदम किया है। मैं चाहूँगी इस ग्रुप को हम इतना आगे लेकर जाएं और इस ग्रुप का उद्देश्य केवल समाज सेवा रहेगा, जनहित में इस ग्रुप काम करेगा और जितनी भी सिंधी महिलाएं इंदौर में हैं वो हमसे जुड़ने का प्रयास कर सकते हैं। जी हाँ, वरिष्ठ भी महिला है, युवा महिलाएं भी, किस तरह सारी महिलाएं यहाँ पर वरिष्ठ है। ये जो इवेंट की शुरुआत की गई है ना, सिंधी सभ्यता सिंधी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। हमारी युवा जनरेशन तो ये अभी जो सिंधी संस्कृति से थोड़ी सी पिछड़ती जा रही है, हम इस आयोजन के माध्यम से उन सबको आगे लाना चाहते हैं और अपनी सभ्यता के बारे में सब बताना चाहते हैं ताकि हमारी ये सभ्यता दूर दूर तक पहुँचे। बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पे काफी संख्या में महिलाएं यहाँ पर उपस्थित है और